नमस्कार मित्रों, मैं राजीव बंसल आपका दोस्त हांसी की आवाज पर। अक्सर हम आपको राजनीतिक इंटरव्यू दिखाते रहते हैं, लेकिन हांसी की आवाज हमारा चैनल मनोरंजन के कार्यक्रम भी लेकर आएगा। हम चंद ही दिनों में एक मुशायरा करने वाले हैं और उर्दू का मुशायरा, जिसमें शायर लोग आएंगे और अपनी वानगी देंगे। आज इंद्र देवता प्रसन्न है, रिमझिम बारिश हो रही है और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मौसम बड़ा सुहावना है। ऐ बादल जरा थम के बरस, ऐ बादल जरा जम के बरस, इतनी रिमझिम तो मेरी आंखों में हर रोज हुआ करती है। लेकिन जब बादल अपने यौवन पे होता है और हांसी में बरस जाता है तो हांसी का हाल देखने लायक होता है। लेकिन आज रिमझिम बारिश हो रही है, तो चंद ही दिनों में मैं बता रहा था कि एक मुशायरा, उर्दू का मुशायरा आपकी नज़र हम करने वाले हैं, तो उसकी बानगी हम कुछ देते हैं आपको। भीगी पलकों में शबे इंतजार गुजरी है, तमाम उम्र मेरी बेकरार गुजरी है, गुजरे मेरे करीब से जब भी वो उदास, खिजा के भीष में जैसे बहार गुजरी है। ये हमारी इस तरह की शायरी और ऐसे शायर लोग हमारे पास आए। मैं एक और वानगी आपको दे रहा हूँ। अक्सर मैं सोचता हूँ कि तुमसे कुछ बात हो जाए, अक्सर मैं सोचता हूँ कि तुमसे कुछ बात हो जाए, बादल हो घनेरे और बरसात हो जाए, मैं तुमको लेकर चलूँ फिर लॉन्ग ड्राइव पर, टायर हो सारे पंचर वहीं पर रात हो जाए। ऐसे शायराना, ऐसे माहौल में ऐसी वानगी, ऐसे हमारे कुछ चंद अशार आपकी नज़र आएंगे। तो एक आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, राजनीति की कोई छिटा कशी भी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति आपको पता है कि राजनीतिक लोग अक्सर यहाँ आकर किस तरह की बातें करते हैं, अपनी खुद बड़ाई करते हैं। लेकिन आज छिटा कशी कम और शायराना अंदाज ज़्यादा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एक मुशायरा आपके लिए। मैं एक और शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। नजरें जो मिली तेरे काजल ने कहा, नजरें जो मिली तेरे काजल ने कहा, कुछ जुल्फ के उमड़ते हुए बादल ने कहा, जो रात मैं कह ना सका कोई, वे उड़ते हुए तेरे बादल ने कहा। इस तरह की शायरी लोग शायर अपने लिख चुके हैं। अकेली होती तो वादियों में, अकेली होती तो वादियों में, कभी लौट कर ना आती कब वक्त, वहाँ भी तुम्हारी यादों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इस तरह की शायर हुए हैं, अजीम शायर हुए हैं और बड़ा आशिक मिजाज शायर भी हुए हैं। गालिब ने भी बहुत अच्छे शेर लिखे हैं, जो मैं एक शायर का शेर पढ़ रहा हूँ। वैसे तो हाले दिल छुपाने में मजा आता है। दर्शकों, हंसी की आवाज़ के मेरे व्यूअर्स, वैसे तो हाले दिल छुपाने में मज़ा आता है, जब सुनने वाले आप हों या देखने वाले आप हों तो सुनाने में मज़ा आता है, सुनाने में मज़ा आता है। हम राजनीति की बात करते हैं और उन पर छिटाकशी भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आता। फिर भी मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार जब अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो हम वोट डालने के लिए चले गए, तो ईवीएम के आगे एक बंदा खड़ा था और वो 20 मिनट से बराबर ईवीएम मशीन पे खड़ा। झल्ला के पोलिंग ऑफिसर बोला कि आप 20 मिनट से यहाँ ईवीएम मशीन पे खड़े हैं, क्या आपको ईवीएम चलाना नहीं आता? तो वो शख्स बोला, भाई साहब हमें ये मत कहिए कि हमें ईवीएम को चलाना ही नहीं आता, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि कल 500 रुपये और एक बोतल जिस राजनेता ने हमें दी थी, हमें याद नहीं आ रहा है, जरा याद आ जाए तो उसका बटन दबा दें। तो इस तरह के हमें राजनेता भी मिलते हैं कि 500 रुपये भी देते हैं और साथ में बोतल भी देते हैं। एक शेर अर्ज कर रहा हूँ और फिर हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको मुशायरा दिखाएंगे हमारे इस चैनल पर हांसी की आवाज़ पर। शेर नज़र करता हूँ। एक नेता की बीवी किट्टी पार्टी से लौट कर आई और उसका पारा था चढ़ा हुआ,
मुंह था फूला हुआ और बोली अपने पति से, नेता पति से, अजी आज भरी महफिल में मेरी इज्जत का हो गया, निकल गया दिवाला, और तुम्हारे नाम के पीछे जब नहीं मिला कोई घोटाला। तो ऐसे भी हैं जिनके पीछे कोई घोटाला नहीं होता है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारी हंसी की आवाज़ से, और इस शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम में और एक नए अंदाज के साथ। और मुशायरा हमारा 3 दिन के बाद आपकी नज़र करने जा रहे हैं, और आप देखना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हंसी की आवाज़ चैनल से। धन्यवाद, थैंक यू।